हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेटामॉर्फोसिस में फिर से। और अभी हमने एडजेक्टिव में दो पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव में मैं आपको पता है कि मैं लगातार पूरी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, तो दो पार्ट में मैंने बेस बताए। अभी कुछ और रूल्स रह गए हैं, ये मान के चलिए कि जो रूल्स मैं बता रहा हूँ उसी में से आना है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सारे कॉम्पिटिशन्स में इन्हीं रूल्स में आता है। जनरली क्या होती है कि कुछ सस्ती और कुछ सब स्टैंडर्ड टाइप की टेक्स्ट बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो काफ़ी फेमस भी हैं, कहना सही नहीं होगा, लेकिन नाम काफ़ी फेमस है उनके, उसमें बच्चों के और स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न के लिए 20, 25, 30 रूल होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं 7 या 8 रूल में एडजेक्टिव आपका बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, और क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। तो अभी मैंने आपको एडजेक्टिव्स के डिग्रीज के बाद कुछ 2 या 3 रूल्स बताए थे। कंपेरेटिव डिग्री में मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आज बाकी के रूल्स शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो कंटेंट। ऑलराइट, तो ले चलता हूँ मैं आपको अगले रूल में। और अगला रूल ये है कि अगर दो कंपेरेटिव्स हम यूज कर रहे हैं एक सेम सेंटेंस में, और उनको यूज कर रहे हैं हम किसी चीज को जोर डाल के कहने के लिए, इफ वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज ओवर सम आइडियाज और समथिंग, तो उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन कंपेरेटिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाह रहा हूं कोई चीज को, मैं हिंदी में समझाता हूं जोर डाल के, कि जितना तुम ऊपर चढ़ोगे या जितना तुम ऊपर की तरफ जाओगे उतना ज्यादा ठंडा होगा या ठंडा बढ़ जाएगा। तो इसको मैं सिंपली दो चीजों पे जोर डालने की कोशिश कर रहा हूं, एक में जितना ऊपर जाओगे और उतना ही ठंडा, तो दोनों में जोर है और दोनों कंपैरिजन को ला रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे यानी कि पहले की अपेक्षा ऊपर जाओगे तो कंपैरिजन अपने आप हो गया, उतना ही ज्यादा ठंडा पाओगे तो पहले की अपेक्षा ज्यादा ठंडा बढ़ जाएगा। तो दोनों कंपेरेटिव्स यूज हो रहे हैं, लेकिन दोनों में जोर डाला जा रहा है, तो पहले द आएगा, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा, द हाइयर यू गो, द हाइयर यू गो कॉमा द कूलर इट इज, द कूलर इट इज। तो हाइयर और कूलर दोनों कंपेरेटिव डिग्री थी और उसमें द पहले लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक है जो आता है। तो इसलिए आपको अगला रूल ये जरूर करना है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा सेंटेंस आए कि जितना तुम्हें प्राप्त होगा या जितना तुम्हें मिलेगा या जितना हमें मिलता है हम उतनी ही ज्यादा इच्छा करते हैं, तो फिर से कंपेरेटिव है, द मोर वी गेट कॉमा द मोर वी डिजायर। तो दोनों में द आप फिर से इस्तेमाल किया कंपेरेटिव डिग्री में। तो चलते हैं, ये हमारा अगला रूल था और अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रूल आपको जो है वो एक और इंपॉर्टेंट रूल है जो बार बार आता है और बहुत ही बार पूछा गया रूल है। मेरे ख्याल से जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री पढ़ते हैं तो बचपन से लेकर आज तक इस सेंटेंस को आपने जरूर सुना होगा, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूल क्या कहता है सुनिए, कि अगर किसी पर्सन को या किसी चीज को उसकी ही जैसी बाकी चीजों से कंपेयर करा जा रहा हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को दुनिया की तमाम उसी की जैसी चीजों के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, तो उस केस में कंपेरेटिव से पहले अदर आना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने एक बहुत हिट सेंटेंस सुना होगा और वो है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। अब कालिदास एक ड्रामेटिस्ट है और उसे दुनिया के अलग सारे ड्रामेटिस्ट से कंपेयर करा जा रहा है, यानी उसी की तरीके के लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। तो मैं यहां पर बिना अदर लगाए इस सेंटेंस को नहीं कर सकता, तो यहां पर मिस्टेक होगी और यहां अदर आना बहुत जरूरी है। तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनी अदर ड्रामेटिस्ट। और इस सेंटेंस में बहुत बार गलतियां होती हैं और पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सेंटेंस में ये भी एक सेंटेंस है, तो आपको यहां पर अदर लगाना बहुत जरूरी होगा कंपेरेटिव डिग्री के बाद। तो ग्रेटर के बाद ग्रेटर देन एनी अदर हमने लगाया। अब आता हूं मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल में, जो अगला रूल है और ये लगभग आपका लास्ट रूल या सेकेंड लास्ट रूल होगा। 7 लैटिन भाषा के ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा गलतियां करते हैं,
और वो सिर्फ एक रूल से साधे जा सकते हैं. यू कैन कंट्रोल दीज ऑल लैटिन एडजेक्टिव्स थ्रू वन रूल. और वो रूल क्या है और वो एडजेक्टिव क्या है. सबसे पहली बात, हमारे मन में पता है और हमें पता है कि कंपेरेटिव डिग्री आती है तो देन यूज होता है. तो इन सातों के साथ देन कभी यूज नहीं होता, और लगता ऐसा है कि देन यूज होता है. और हम लोग, बता दूं, आपके आसपास के लोग भी इसमें देन यूज करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और इसके साथ देन की जगह यूज होता है टू. तो सात लैटिन एडजेक्टिव कौन से हैं ये मैं आपके सामने ला रहा हूं. सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रायर. अगर आपको ये सात शब्द कहीं पर भी दिख गए जो लैटिन भाषा के शब्द हैं, तो आप तुरंत उसमें देन की जगह कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगाएंगे, वो होगा टू. और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा कहने की आदत नहीं है, आदत बिगड़ चुकी है. आपने हमेशा बचपन से लेके अभी तक ये सुना होगा, या कहते हैं लोग, ज्यादातर, हर कोई नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं, ही इज जूनियर देन मी, यू आर सुपीरियर देन मी, यू आर इंफीरियर देन मी. तो ये बिल्कुल गलत है. आप आज से ये कहेंगे, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी, आई एम सुपीरियर टू हिम. तो यहां पर टू लगाना बहुत जरूरी है. तो इन सात लैटिन एडजेक्टिव्स को, जो कि बहुत कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं. और देन की जगह आपको यहां पर सिर्फ प्लेस करना है टू. तो इस तरीके से अगर आप कहें कि सर इन रूल्स से आ जाएगा, तो मैं आपको कहता हूं कि 100% आपको इन रूल्स से मिल जाएगा. और इन्हीं रूल्स में से कंपेरेटिव डिग्री पूछा जाता है, यही स्मार्ट वर्क है. इन छह सात रूल्स को आपने पूरी तरीके से बना लेना है, अपने माइंड में क्लियर करना है, और इन्हीं रूल्स को लेके चलना है. और इस तरीके से आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसको डील कर पाएंगे, जो आपके एडजेक्टिव्स के रूल हैं और एडजेक्टिव्स के जितने भी एरर्स हैं. अब बात आती है कि अगर हमने ये कर लिया है, तो क्या हम एडजेक्टिव्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं? आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि सारे तब कर पाएंगे जब मेरा अगला हिस्सा आप सुन लेंगे. और अगले हिस्से में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट यूसेजेस. एक बहुत ज्यादा कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो पर्टिकुलर और स्पेशल केस होते हैं, और उन स्पेशल केस में हमको पता नहीं होता, और वो स्पेशल केस हम डिफरेंशिएट न कर पाने की वजह से उसमें भी गलतियां कर आते हैं. तो उनमें मैं कुछ पेयर ले रहा हूं एडजेक्टिव्स के, जिसमें से आपको मैं सिखाता हूं. एक दो पेयर हम इसी वीडियो पे लेके आएंगे, और बाकी अगले वीडियो में लेके आएंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एरर्स. तो वो कौन से पेयर हैं देखते हैं. देखिए, वो पेयर हैं जो एडजेक्टिव्स में, सबसे पहले पेयर उठा रहा हूं. एक पेयर है ओल्डर, एक वर्ड है, और एक है एल्डर. दोनों एडजेक्टिव है, ओल्डर वर्सेस एल्डर. दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं. तो ओल्डर और एल्डर कहां लगाएंगे हम? जब भी हम कहते हैं कि इसका मीनिंग बताओ, तो दोनों का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे के साथ, जब किसी के बड़ा होने की बात कर रहे हैं कंपैरिजन में, तो दोनों का मतलब बड़ा होना है किसी और व्यक्ति से या किसी और वस्तु से. अब इन कंपैरेटिव्स को लगाए कहां अगर दोनों का मतलब बड़ा होना है? तो हम इसको डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि अगर एल्डर का यूज करना है, तो एल्डर इज यूज्ड इन केस ऑफ ब्लड रिलेशंस. जब कोई खून का रिश्ता कहीं पर हो, यानी कि कोई सगा व्यक्ति हो, सगा संबंधी हो, तब हम कहेंगे सगा जो होता है अपना फैमिली का, तो उस केस में हम कह सकते हैं एल्डर. जैसे ही इज एल्डर टू मी. अगर आपने अपने भाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं माई ब्रदर इज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ही इज एल्डर टू मी. ऑल राइट, तो आपने देखा कि यहां पर ब्रदर की बात हो रही थी, तो एल्डर आना पड़ेगा. लेकिन अगर वहां पर ऐसा होता, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर, ही इज ओल्डर टू मी, तो यहीं पर मिस्टेक होती है. दिस इज हाउ यू कैच इट. कैसे? क्योंकि आपने ब्रदर देखा, और ब्रदर एक खून का रिश्ता है, सो यू कैन नॉट यूज ओल्डर देयर, यू विल यूज एल्डर. एंड द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट द कलीग्स ऑफ यू इन योर ऑफिस हु आर वॉकिंग विद यू, तो कलीग्स के केस में आप अगर कहना चाहते हैं कि वो मेरे से बड़े हैं, तो आप कहेंगे मीट माई कलीग हरीश एंड ही इज ओल्डर देन मी. अब यहां पर देन भी मिस्टेक है, ओल्डर टू मी होगा. ठीक है, तो ये भी आप जो है ओल्डर और एल्डर में टू लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा. तो अब ये हो जाएगा मीट माई कलीग हरीश,
ही इज ओल्डर टू मी। ओल्डर टू मी का मतलब है कि वो मुझसे बड़े हैं। अगर यहीं पर भाई होता तो वो हो जाता एल्डर टू मी। तो ये ओल्डर वर्सेस एल्डर आप जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हम एक और पेयर को लेते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इस पेयर में हम लेंगे दो एडजेक्टिव कंपेरेटिव, एक फार्दर एक फर्दर। ये हमारा लास्ट पेयर होगा इस वीडियो का। फार्दर क्या चीज है और फर्दर क्या चीज है? देखिए, फार्दर और फर्दर दोनों कंपैरिजन करते हैं, और दोनों का मतलब जो है दूर है, और फार्दर का मतलब जब दूरी से है तो फर्दर का मतलब क्या है ये हमें डिफाइन करना होगा। तो अगर हम किसी पहले से बड़ी दूरी की बात करते हैं, ग्रेटर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो फार्दर होगा डिस्टेंस के केस में। और अगर हम किसी और चीज को कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ के कुछ और फैसले लिए जाएंगे, आगे कोई और डिसीजन होगा, तो ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, ये टाइम की बात कर रहा है, तो फर्दर इसको कहते हैं। तो इन केस ऑफ डिस्टेंस वी आर गोइंग टू यूज फार्दर, ठीक है, और इन केस ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू यूज फर्दर। जैसे मैं दोनों को बताऊं, मैं दूरी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं अमृतसर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, यहां से अमृतसर दिल्ली की अपेक्षा ज्यादा दूर है, तो ये हो गया फार्दर। और अगर फर्दर को टाइम के केस में यूज करूं तो ऐसे यूज कर सकता हूं, फर्दर डिस्कशंस विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, कि आगे के डिस्कशंस प्रिंसिपल के ऑफिस में किए जाएंगे। तो इस तरीके से फार्दर और फर्दर में भी डिफरेंस आपके आ जाता है। तो आई होप कि जो बचे हुए रूल थे और ये दो यूसेजेस जो आपने आज सीखे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लेना है और आपको छोटी छोटी वीडियोस के मार्फत आपको इन्फॉर्म करना है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे मैं और स्पेशल यूसेजेस लूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स उठाएंगे। सो गाइस, चलता हूँ, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और शेयर जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, एंड आई फील ऑब्लाइज फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड लाइक्स विच यू ऑलवेज पोर इन आफ्टर माई वीडियो, एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।